नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश आप सभी व्यूअर्स का स्वागत करता हूं आज फिर से एक नई जानकारी में। आज इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, आरएसी टिकट के नियम के बारे में। क्योंकि भारत में बहुत से ज़्यादा 70% से ज़्यादा लोग जो हैं वो ट्रेन का सहारा लेते हैं एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, और ज़्यादातर लोगों की जो टिकट होती है वो आरएसी में चली जाती है, और उनके उनको जो है इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं होती। तो आज इस वीडियो में पूरी डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। सबसे पहले आप आरएसी का मतलब जान लें। आरएसी का मतलब होता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। कोई भी कंफर्म व्यक्ति अगर अपने टिकट कैंसिल करता है तो वो आरएसी वाले पर्सन को दी जाएगी। जैसे एग्जांपल के रूप में ले लीजिए कि मेरी अगर कंफर्म सीट नंबर है S1 में 9 नंबर सीट है, और मेरी जो दूसरे पर्सन है उसकी आरएसी 1 है। अगर मैं अपनी कैंसिल करूंगा तो आरएसी 1 वाले को जो 9 नंबर सीट है वो अलॉट कर दी जाएगी, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली। हाँ, सब जो इसका मेन मतलब होता है। लेकिन इसका दूसरा मतलब ये भी होता है कि अगर आपकी सीट कंफर्म नहीं हो पाई, यानी कि अगर आपकी सीट जब चार्ट बन गया उसके बाद आपकी सीट कंफर्म नहीं हो पाई, तो उस समय में आपको साइड लोअर में, यानी साइड लोअर में दो पर्सन को एक साथ सीट दी जाएगी। एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, RAC 39 और RAC 39 जो है दो पर्सन को दी जाएगी। आप पैसेंजर 1 और पैसेंजर 2 दोनों आदमी को शेयर करके एक ही साथ सीट पर जाना होगा, यानी ये दोनों लोअर सीट पर ही बैठ के जाएंगे, अपर सीट पर बैठ के नहीं जाएंगे। और आपको झगड़ना नहीं है, जब भी किसी पर्सन की अगर आरएसी में रह जाती है तो झगड़ा नहीं करना होता है, आप आराम से शेयर करके उसके साथ ट्रैवल कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। यानी 39 वाला पर्सन 1 भी और पर्सन 2 भी आराम से उसके साथ ही ट्रैवल कर सकता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली। तो जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएगा, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।